Thank you so much. Love you too. Please have a seat. I love you. Love you too. मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूँ आज क्या होने वाला है. आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि ये टॉपिक होना चाहिए आज के सेशन का, वो बिल्कुल शॉर्ट में बोलेंगे कि आई वॉन्ट कि आज के सेशन का ये टॉपिक होना चाहिए. अगर उस टॉपिक पे बाकी सब एग्री करेंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं मतलब वो भी अपने हाथ ऊपर करेंगे, तो वही आज के सेशन का टॉपिक होगा. हाय संदीप जी. हाँ जी. मैंने ये सेशन बुक कराया था तकरीबन एक साल पहले कराया हुआ. हाँ. और उससे पहले मैं मतलब आपकी वीडियो तो मैं देखता था. हाँ. लेकिन मुझे लगता था कि ये सेशन होते हैं शायद पता नहीं अपने बंदे तुरी बुला के बिठा देते हैं. एक भी अपना बंदा बैठा है यहाँ पे. तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने आज तक अभी वो बुक कराया नहीं था. लेकिन रिसेंटली मेरी भाभी है, उन्होंने बुक कराया था, तो उनको नंबर मिल गया और वो आ गए, तो मुझे लगा कि नहीं यार बंदे तो जेन्युइन ही होते हैं. बंदा जेन्युइन है. मैंने भी बुकिंग करा दी, डाल दिया इसमें. टॉपिक बताइए शॉर्ट में. टॉपिक सर मेरा ये है कि मैं इस टाइम पे मान लो 3 या 4 काम है जो करता हूँ, जिस काम में मुझे लोग कहते हैं हाँ यार भाई काम जरा बहुत अच्छा है. लेकिन अब मुझे कंफ्यूजन ये है कि वो चारों काम मैं एक साथ नहीं कर सकता, तो फोकस मतलब कैसे करा जाए, कौन सा उन चारों में से मतलब बंदे के लिए बढ़िया है, कि किस चीज में बंदा आगे जाना चाहता है. कितने लोग चाहते हैं आज के सेशन का टॉपिक हो? अबे शगुन के लिए एक दो हाथ ऊपर करते हैं. मतलब जो प्लीज हैव अ सीट. और कोई बेटर टॉपिक किसी के पास में है? सर बचपन से लेकर आज तक हम हमेशा एक चीज फेस करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, वो है पीयर प्रेशर. चाहे वो हमें देख कर आता है कि मतलब अगर कोई एक चीज कर रहा है बचपन में, कोई एंट्रेंस एग्जाम करा किया, फिर अच्छा कॉलेज, फिर गर्लफ्रेंड. ये सक्सेस है फेलियर है? नहीं सर, मतलब कुछ टाइम तक तो हाँ, मैं समझता हूँ सक्सेस है, उससे कुछ टाइम बाद उस बंदे की हालत देखते हो क्या होती है. सर पीयर प्रेशर या तो हमें देख कर आता है या तो किसी लोगों के बोलने पे आता है, और इसके अकॉर्डिंगली हम कभी कभार कुछ ऐसा कर जाते हैं अपनी पर्सनालिटी या कैरेक्टर से बाहर निकलते, उससे बिल्कुल अलग होता है, उससे जो हमारी पर्सनालिटी से एकदम अलग होता है. और सर उसकी वजह से फिर हमारे अंदर एक सेल्फ नेगेटिव वॉइस या सेल्फ क्रिटिकल वॉइस डेवलप होती है, जिससे हम डिप्रेशन में जाते हैं, सोचते हैं इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर डेवलप होने लग जाता है. क्यों किया क्यों किया क्यों किया, इस चीज पे कैसे काबू पाए. कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक, कि जो कंपैरिजंस है उससे हम किस तरीके से अपने आप को बचाएं. एग्जैक्टली. और बताइए. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज फॉर आर डिसीजन लाइक सेल्फ वर्थ. वी डोंट नो अबाउट सेल्फ वर्थ कि हमारा डिसीजन ठीक है, हम ये डिसीजन ले लें बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेशर. वी थिंक दैट हाँ वी शुड डू दैट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमारे फर्स्ट वेल विशर्स होते हैं, तो वो बताते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता है, हम बता रहे हैं वैसे चलो, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ. राइट. सो इज इट ट्रू दैट कि वो बोल रहे हैं तो हम करें, हम एक्सपीरियंस नहीं है? आपको क्या लगता है? बिकॉज मेरी एक शादी थी, उसमें डिवोर्स हो गया. आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड. You want to share all these things on the camera? It's okay, that fine. Okay. Yeah. Okay. हाँ, सबको पता है मेरी शादी हुई थी, देन उसके बाद दोबारा हुई है. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, सबको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हम कुछ कर रहे हैं और ठीक है एक्सपीरियंस तो मिल गया और लेसन भी मिल गया, बट स्टिल समवेयर पीपल फील कि हाँ गलत है, यू आर नॉट डूइंग राइट. आप में से कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक, कैसे अपने अंदर से पॉजिटिविटी को जनरेट करें? हमेशा ऐसे चार्ज रहे कि कोई कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिसीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट. राइट. दैट्स व्हाट इट. ऐसा कैसे हो? हाँ. तो ऐसा होने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि जो हम करना चाहते हैं, आर वी एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट इट? नो. और अगर हमारे अंदर से आ भी रहा होता है तो हम इतना श्योर नहीं होते उस डिसीजन को लेकर के. हाँ, कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर भी एक डाउट होता है. जब वो डाउट होता है तो हम बीच में पिस जाते हैं. एंड समटाइम्स वी थिंक कि अगर हमने ये डिसीजन ले लिया, इन केस वी गॉट फेलियर, हाँ तो then, क्या होगा? या एग्जैक्टली. देन वी विल से देखो हमने कहा था ना इस ऐसा हाँ, होना था. तो लोग सही प्रूव हो जाएंगे और हम गलत प्रूव हो जाएंगे. yeah. तो कहने का मतलब है, अगेन द पॉइंट इज कि हम एब्सोल्यूटली क्लियर नहीं है कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से. अगर हम बिल्कुल क्लियर हो जाए किसी भी चीज को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल अगर डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक? नो. नो. ओके. कैमरे में तो यही बोलना ठीक रहता है. कुछ और बोल देता हूँ. यू डोंट टेक ड्रग्स, राइट? नो. तो कोई जबरदस्ती आकर के आपको ड्रग्स दे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, या बहुत रिस्पेक्टेड कोई ऐसे हो सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल, वो जबरदस्ती आकर के आपको ड्रग्स दे, आप लोगे? नो. नहीं लोगे. क्यों? वहां पे कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा. अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा? नहीं. कोई डर होगा कि कल को मैं गलत प्रूफ हो गई तो क्या होगा? नहीं. नहीं होगा ना. You are absolutely clear कि नहीं तो नहीं बस. और अगर कोई आकर के कोई अच्छी चीज देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी और पानी दे रहा है, वो भी फिल्टर का है,
और वो कह रहा है पी लो, तो क्या वहां पे कोई डाउट होगा? नहीं, कि मैं इसको पीऊं या ना पीऊं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में आप एब्सोल्युटली क्लियर हो कि मेरे लिए सही क्या है और दूसरा मेरे लिए गलत क्या है। वंस वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती। मतलब कि अगर कोई क्लियर नहीं है कि नहीं मुझे ड्रग्स नहीं लेनी है और फिर अगर बाहर से उसके फ्रेंड्स चाहें तो उस पर हावी हो सकते हैं, अरे ले ले क्या हो गया, अरे ये ड्रग्स नहीं होती, गांजा है, ड्रग्स नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जैक्टली कि वो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि वो बंदा खुद क्लियर नहीं है, या सामने वाला ये सोच लेता है कि हाँ ये इंसान क्लियर नहीं है, मैं इसको हिला सकता हूँ। सोच नहीं लेता, उसको पता होता है। हमको सबको पता होता है, डू वी नो और वी डोंट नो। जब आपको पता है कि ये जो आपका फ्रेंड है या जो भी आपकी फ्रेंड है, रिलेटिव है, कौन है जो अंदर से कंफ्यूज्ड है और कौन है जो बिल्कुल क्लियर है कि ये बंदे को तो कुछ भी बोल रहे टस से मस नहीं होने वाला, तो उसको बोलने का फायदा ही नहीं है। ऐसे लोगों को दुनिया कुछ बोलती भी नहीं है क्योंकि पता है वो सुनेगा ही नहीं, वो अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जिसका पता है कि ये तो बड़ा ही फ्रेजाइल है कि अगर बोलेंगे तो इसको फर्क पड़ेगा, या तो ये रिएक्ट करेगा या फिर इसको बुरा लगेगा, तो उनको मजा आएगा अगर आपको बुरा लगेगा तो, आप समझ गए, या फिर आपको नीचे गिराएंगे तो आप इंसल्टेड फील करोगे। तो दुनिया खेलती रहेगी आपके साथ में। वन समबडी इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मैं ये कर रहा हूं, तो वहां पर बाहर अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है तो उसके ऊपर असर नहीं होता है। अंदर से हम खुद हिले हुए होते हैं तो सब कुछ हिला पड़ा होता है। मेरे सारे सेशंस यहीं पर बार बार इशारा कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से मेरे सेशंस को देखोगे, हमको चाहे अंदर से पॉजिटिविटी जनरेट करनी है, चाहे बाहर जो पीयर प्रेशर है उसका हमारे ऊपर असर ना हो, चाहे अंदर से हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको और सिंपल करूं, अभी आप किस में बिजी हो 24 घंटे? बाहर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में, या जो अंदर हो रहा है उसको सॉल्व करने में? कि मेरे को गुस्सा आ रहा है या मैं परेशान हूं, तो किसकी वजह से परेशान हूं? अपनी वाइफ की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, लोगों की वजह से? ऐसा होता है नहीं होता है? और जैसे ही आप ये सोचते हो, अब आप फंस गए, अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे अपनी वाइफ को बदलने के बारे में, जो आज तक कोई नहीं कर पाया इस पूरी इम्पॉसिबल टास्क पे आप निकल जाओगे। मेरे सेशंस भी देख रहे होगे तो ये नहीं सोचोगे कि अच्छा इसको मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, कि हाँ ये सेशन तो अपनी वाइफ को दिखाना ही पड़ेगा, ये उसी के लिए है। तो पहला स्टेप समझ में आ रहा है हमको? तो अगर ये पहला स्टेप ही नहीं समझ आया, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योर सेल्फ, तो सब बेकार है। जब भी आप दुखी हो रहे हो तो आप समझ जाओ आपका ध्यान बाहर भटक रहा है। अपनी वजह से कौन दुखी होता है? दुख की सिर्फ दो जड़ है, रिलेशंस और पोजेशंस, दोनों बाहर हैं। और बताओ दुख की तीसरी जड़ कौन सी है? नथिंग जी। तो अंदर ध्यान को मोड़ देने का मतलब क्या है? बारीकी से समझ लेना कि रिलेशंस और पोजेशंस से मेरा क्या रिलेशन है। यानी आप अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो। ऐसा हम बोलते हैं बट कभी भी करते नहीं है। हम एक ही गलती को बार 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 रिपीट करते हैं। हम एक गलती करते हैं उसकी वजह से दुख होता है, कोई झूठ होता है उसको सच मान लेते हैं उसकी वजह से दुख होता है, फिर वही गलती बार 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 रिपीट करते हैं और दुखी होते चले जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उस सबकी जड़ क्या है? अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, एक ही गलती आप रिपीट करते चले जा रहे हो। वो गलती क्या है? झूठ को सच मान लिया है। तो जैसे ही उस झूठ का सच हमारे सामने आता है, यानी हमको रियलाइज होता है कि ये तो झूठ है, हम दुखी हो जाते हैं। आपको समझ आ जाए कि क्या झूठ है क्या सच है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ोगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट कभी भी हाथ नहीं लगेगा। बारीकी से समझते चले जाओ जो बातें मैं बोलने वाला हूं। ये नहीं कि सुनते ही आप कहोगे नहीं ये तो बकवास है, मुझे पता है क्या आएगा आप लोगों के माइंड में, सच सुनने की आदत नहीं है ना, झूठ ही हमको सच लगता है। मैंने क्या बोला ये बात, इसकी गहराई आप देख पाए? जब भी आप दुखी हो रहे हो तो किसी ना किसी झूठ को आपने सच मान लिया है और दुखी हो रहे हो। बड़ी गहरी बात है ये, मतलब एक्चुअल में दुखी होने का कोई रीजन नहीं है। दुख और दर्द में हमको फर्क पता है ना? दर्द मतलब फिजिकल पेन, तो दर्द है इस वजह से दर्द हो रहा है। दर्द मतलब यहां पे इसको ऐसे किया है ना, निशान पड़ा तो ये दर्द हुआ, दिस इज पेन, पेन है जिस वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन उस पेन की वजह से मैं दुखी हूं या ना हूं, क्या हमारी चॉइस है या नहीं है?
जब डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो हम दुखी नहीं हो रहे होते, हम कहते हैं चलो अच्छा है, ये बला टली, एक साल से मेरे को दर्द हो रहा था, अब इसके बाद में दर्द नहीं होगा, तो डॉक्टर जितना दर्द देना है दे दो अगले एक घंटे के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि अब दोबारा दर्द ना हो, तो उस दर्द की वजह से हम दुखी नहीं हो रहे होते, सुखी हो रहे होते अंदर ही अंदर। फिजिकल पेन आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज दुख? दुख क्या होता है? कहां दर्द हो रहा है दिखाओ। समझे मैंने क्या बोला है? जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मतलब क्या दुख, मतलब क्या, कहां दर्द हो रहा है दिखाओ, पेट में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, यहां हो रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कोई स्वेलिंग आई हुई है, कुछ हो रहा है? व्हाट इज दुख? व्हाट इज थॉट? अंदर ही कुछ अपने आप को बोल रहे हैं, अंदर ही कुछ सोच रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही परेशान हो रहे हैं, मतलब खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं, मतलब एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। सुनो, अब आराम से बैठ करके बोलो मत, सुनने की आदत नहीं है ना, सुनो, पतियों को है फिर भी कुछ लड़के बोल रहे हैं, शादी नहीं हुई क्या? हाँ, क्या बोला मैंने सुना ध्यान से, कुछ समझ आ रहा है? डू यू वॉन्ट मी टू गो डीपर? दुख क्यों होता है? मैंने क्या बताया? उसके दो कॉजेज हैं, रिलेशंस और पोजेशंस। क्या कभी हमने समझने की कोशिश करी रिलेशंस सच है झूठ है? जैसे यहां पे स्टेज है, स्टेज के ऊपर कोई प्ले चल रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, मान लो एक लाश का, और उसको ये गलतफहमी हो जाए कि मैं लाश हूं, अब उसको कौन बचाएगा? एक्चुअल में उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है, वो लाश भी नहीं है, वो जिंदा है, उसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है लाश बनने का। वो क्या कहे, मैं तो मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, हो गया दुखी, इसको दुख बोलते हैं। या प्ले में वो किसी से अलग हो जाए, वो क्या कहे, मैं अलग हो गया, अब मेरा क्या होगा? तो क्या वो रोल सच है झूठ है? झूठ है, नौटंकी चल रही है, कुछ नहीं है, एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, समझे? वो हस्बैंड बन थोड़ी गया उसका, जबकि उसका हस्बैंड तो कोई और है, इन सो कॉल्ड रियल लाइफ, जिसको हम रियल बोलते हैं। यहां तक तो हमको समझ आता है, रियल लाइफ में जिसको भी हम रिलेशनशिप बोलते हैं, रिलेशंस और पोजेशंस, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, वो क्या है? कभी हमने समझने की कोशिश करी? व्हाट इज अ रिलेशनशिप जिसको हम रिलेशन बोलते हैं? आप हस्बैंड हो या हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हो? अच्छा, ऐसा हम सोचते हैं। हम क्या बोलते हैं जब भी, यहां तो भी आप चल रहे हो मेरे साथ साथ में, नॉर्मली आप क्या कैसे सोचते हो? एक कुछ थोड़ी सी नौटंकी हुई, अलग अलग रिलीजन्स की अलग अलग तरह की नौटंकियां होती हैं, उसके बाद में कहीं घुमाया, ये क्या हो गया, चलो जी अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो क्या वो हस्बैंड हो गया, आदमी से पति बन गया? तो जब डिवोर्स हो गया तो क्या पति मर गया? तो सच क्या है, आदमी या पति? तो ये पति क्या है? माना ही है, एक्चुअल में क्या हुआ है? अरे ये बात समझे, सिर्फ मान लिया है। सच क्या है? एक बंदा है, अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं। एक ही आदमी को, एक ही आदमी, देखना ध्यान से सुनना और फिर बताना सच क्या है और झूठ क्या है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, सोच समझ करके, मतलब अपना दिमाग दौड़ाओ, थिंक अबाउट इट। ऐसे सोचने की हमारी आदत नहीं है। स्कूल कॉलेज में क्या हुआ है, हमको बता दिया गया है कि ये रट लो और उसको जाकर के लिख दो, वही हमने कर दिया। फिर बाद में गए कहीं जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां पे भी बता दिया कि बस जितना बोला जा रहा है उतना ही करो, तो हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। एटलीस्ट यहां लगा लो, क्योंकि यहां आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो जितना जोर है अंदर सारा लगा दो, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होने वाला। तो सुना मैंने क्या बोला है अभी, कि एक आदमी अलग अलग स्टैंड पॉइंट से बेटा भी है, वो पति भी है और वो बाप भी है, ये सच है? एक तीन कैसे हो सकता है? एक्चुअल में वो क्या है? आदमी है। तो अगर आपको ये समझ आ जाए कि इन रियलिटी ये सिर्फ कुछ रोल्स हैं जो मैं प्ले कर रहा हूं, जिसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है, कोई मतलब कोई असर नहीं होता है, जब तक कि मैं झूठ को सच ना मान लूं, जब तक कि मैं ये ना बोलूं कि मैं पति हूं, यानी पति और पत्नी किसी हालत में खुश नहीं रह सकते, और आदमी को दुखी करने का कोई तरीका ही नहीं है। आदमी को दुखी करके दिखाओ और पति को खुश करके दिखाओ। जो पति बन गया है, जो पति का रोल प्ले कर रहा है, उसको दुखी नहीं कर सकते जी। जब हम रोल प्ले करते हैं तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जब हम कुछ बन जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम है
किसी की लाइफ में, आपके किसी दोस्त की लाइफ में, जब दोस्त का रोल प्ले कर रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त आप दोस्त हो तो आप बड़ी सही सलाह देते हो, जब आप खुद वो दोस्त होते हो तो आपकी लगी पड़ी होती है। समझ गए? ये है रिलेशंस। पोजेशंस क्या है? जिन पोजेशंस की वजह से आप खुश होते हो या दुखी होते हो, सोसाइटी में एक लेवल आपको मिल गया है तो बड़े खुश हो रहे हो, वो लेवल मिल करके किसी ने छीन लिया है दुखी हो रहे हो, क्या है ये सब? सच है झूठ है? सब कचरा है। रियलिटी में किसकी वैल्यू है? पैसे की वैल्यू है। यस, वी कांट चैलेंज इट। पैसा इज एज गुड एज अ थिंग विच इज नीडेड फॉर योर सर्वाइवल। एक पोजीशन आपको मिल गई है और आपके कैबिन के बाहर कुछ लिखा हुआ है कि अब तो ये पहले ये थे अब ये बन गए, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? सिर्फ यहां है, एक्चुअल में कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, कि हमको पता हो लाइफ में क्या सच है क्या झूठ है। जो आदमी कहेगा ना कि पैसा झूठ है, वो महामूर्ख है, महाबेवकूफ है, सड़क पर भीख मांगता हुआ मिलेगा। और क्या मांग रहा है? झूठ मांग रहा है। भैया थोड़ा झूठ देना, मतलब पैसा देना। समझ रहे हो क्या हो रहा है? आपकी नौकरी झूठ नहीं है, क्योंकि तो नौकरी से आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर इस रिलेशनशिप को भी आप ध्यान से समझोगे, क्या आप एक एम्प्लॉई बन जाते हो या एक रोल प्ले कर रहे हो? एक रोल प्ले। अगर आपको समझ आए मैं सिर्फ एम्प्लॉई का रोल प्ले कर रहा हूं, एक्चुअल में मैं क्या हूं? मैं एक आदमी हूं जिसको अगर इस नौकरी से निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये है एक आदमी की तरह एक्ट करना। और जो आदमी इंप्लॉई बन गया वो कैसे एक्ट करेगा? डर डर करके जिएगा, निकाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे मुझे तो निकाल ही दिया मैंने 10 साल तक अपना सब कुछ लगा दिया इस कंपनी में, अब देखो मुझे ही निकाल दिया। ऐसा होगा या नहीं होगा? देखा है ऐसे लोगों को? अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। किसका नहीं हो सकता? उस इंप्लॉई का या आदमी का? हाँ, वो एम्प्लॉई जो कहीं है ही नहीं वो तो रोल तभी खत्म हो गया जब आपको निकाल दिया, अब तो आप एक्स एम्प्लॉई हो। एम्प्लॉई कहां है? उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। किसका क्या होगा? कभी सोचा है? आदमी कहा या बॉयफ्रेंड का? वो बॉयफ्रेंड कहां है? दिखाओ, टच करके दिखाओ, छू के दिखाओ बॉयफ्रेंड को। जिसको छुओगे वो आदमी है, बॉयफ्रेंड कहीं नहीं है। मान लिया है तो जो आपने मान लिया है उसकी वजह से दुखी हो रहे हो। चॉइस आपके पास में है कि आप झूठ में जियो या सच में जियो। झूठ में जियोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती, आप खुश नहीं रह सकते, दुखी ही रहोगे। जो पति है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाए अपनी पत्नी से, वो अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन चलती रहेंगी, वो रोता ही रहेगा। मैं पति हूं, मेरा ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अरे मैं पति का रोल प्ले कर रहा हूं, क्या हो गया? रोल प्ले करने का मतलब क्या है? जो समझदार होगा वो क्या कहेगा? जब बीवी बोल रही है तो चुप रहो, और जब वो चुप है तो कुछ मत बोलो। रिलेशन को आप दोस्ती कह सकते हो तो रिलेशन कभी खराब नहीं होगा। देखो कितना मजेदार है, दोस्ती में हम कुछ बनते नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे अच्छा रिलेशन दोस्ती का है। आप अपने आप को कुछ भी बन करके सोचो कि मैं बाप हूं, तो अब आपके दुख की जड़ कौन होगा? आपका बेटा या बेटी। मैं पति हूं तो पत्नी से रिलेटेड ही थॉट्स आएंगे, और कोई आ सकते हैं। सुबह से रात तक यही तो हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, और हो क्या रहा है? पति बन गए ना, बाप बन गए ना, बेटा बन गए ना। जहां बेटा बन गए तो अपने मां बाप की वजह से दुखी होते रहोगे। मेरे दुख की जड़ कौन है? मेरे मां बाप है। कुछ मत बनो, जो हो वो रहो, आराम से देखो अभी क्या हो रहा है, कोई दुखी नहीं है। बनना है तो दोस्त बनो, बाप क्यों बनते हो किसी के? दुनिया की नजर में बनो, विच इज ओके, अंदर से दोस्त बनो ना तो बेटे को सही सलाह दोगे। ऐसी पोजेशंस, जो चीज जिसकी जितनी वैल्यू है उसको उतना ही वैल्यू दो। आपके सामने दाल रोटी पड़ी है, आप कहो नहीं ये तो बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सच है झूठ है? झूठ है। आप बेवकूफ हो, क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसी की वजह से बॉडी जिंदा रहेगी। दाल रोटी की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है,
हाँ कोई आकर के आपको कुछ अच्छा बोल रहा है उसकी क्या वैल्यू है, कोई बुरा बोल रहा है उसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। वहीं हम जीते हैं। दुख की जड़ क्या है कि वहां पे वो जो बंदा सक्सेसफुल है, सो कॉल्ड सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब कौन जो दुनिया की नजर में सक्सेसफुल है, अंदर से चाहे एक नंबर का खच्चर है। क्योंकि तो अंदर से आप क्या हो तो सिर्फ आपको पता है ना, आप कितनी गहराई में हो, कहां हो, दुनिया को तो आइडिया ही नहीं है, दुनिया को उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो दुनिया आपको तोलती है, आपको नापती है, देखती है आपके पास कितना है उसके अकॉर्डिंग, उसी को आप सच मान लो, उसकी वजह से आप दुखी होते रहो। पैसा ज्यादा है तो अमीर हो गए, कम है तो गरीब हो गए, कम है तो दुखी हो जाओगे, ज्यादा है तो खुश हो जाओगे। और वो खुश भी कब तक रहोगे, जब तक ऐसे सर्कल में रहोगे जब चारों तरफ गरीब भरे पड़े हैं। जैसे किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे आप गरीब हो, दुखी हो जाओगे। और आप जुड़ना चाहोगे उन लोगों के साथ जो मेरे से ऊपर लेवल के हैं। ये लेवल्स क्या है, सच है झूठ है, सब झूठ है। कहां है लेवल, छू के दिखाओ, दिखाओ मुझे, पॉइंटेड टुवर्ड्स इट, यहां है लेवल्स, सिर्फ मान लिया है। ऐसे हमको धीरे धीरे समझ आ जाना चाहिए जो बात मैं बोल रहा हूं। अगर इसको ध्यान से समझा तो हमको समझ आ जाएगा, फिर वहां से जो भी हमारे एक्शंस होंगे, थॉट प्रोसेस होगी, वो सच के बेस पे होगा। और सच में अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसकी वजह से दुखी हुआ जा सके। ये पीयर प्रेशर, ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ये सब नकली हो जाता है। इन माय लाइफ देयर इज नो पीयर प्रेशर, नो प्रेशर ऑफ एनी काइंड। क्योंकि जैसे ही प्रेशर अंदर क्रिएट होता है नजर आ जाता है प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अच्छा किसकी वजह से हो रहा है, कि झूठ है जिसको सच मान रहा हूं। जैसे ये रियलाइज होता है कि झूठ को हम सच मान रहे हैं, जैसे ये समझ आ जाता है तो हमको हंसी आती है। समझे, नहीं आई बात समझ में? ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ये ओरिजिनल है आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। लेकिन आप मान लो कि ये तो ओरिजिनल है, मान लो और दुखी होते रहो, अरे इसको किसी ने पानी नहीं दिया, देखो वो मुरझा गया है, अबे नकली है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसको जा करके आप छू के देखो, टच करके देखो, सुन करके देखो उस बंदे की बात जो कह रहा है कि ये सच नहीं है। पहले यकीन नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया यहां पे ये सारे पागल हैं क्या, सारे कह रहे हैं असली है असली है असली है। लेकिन आपने छू के देख लिया, आपने कहा यार बात तो सही है, नकली है ये तो उस वक्त आपको क्या होगा, परेशान होगे या हंसी आएगी? हंसी आएगी ना। तो इससे रिलेटेड जितना भी दुख था आपकी लाइफ में, जितनी भी टेंशन थी, जितना भी स्ट्रेस था, वो एक सेकंड में जाएगा।